आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधिक साक्षरता कार्यक्रम की श्रृंखला में आज ग्राम पंचायत पिपलगोन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए न्यायाधीश राकेश भिड़े द्वारा नशा उन्मूलन तथा नशे से होने वाले नुकसान के बारे में ग्रामीणों से बेहद सरल भाषा में विस्तार से बात की तथा नशे से बचने की नसीहत दी, साथ ही विधिक सहायता के बारे में भी बताया। कार्यक्रम का संचालन पैरा लीगल वॉलंटियर अखिल खान द्वारा किया गया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। यहां इस सभागार में उपस्थित व्यक्ति में से कितने लोग जो इसका सेवन करते हैं, यदि सेवन नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप नहीं करते और आपके आसपास का कोई व्यक्ति करता है तो मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को सुनने के पश्चात या यहाँ से जाने के पश्चात आप उस व्यक्ति को अवगत कराएंगे। अब जैसे साहब ने मुझे आदेशित करा है कि उसके चलन के बारे में बताना है, चलन मूल रूप से जो मदिरा शराब की बात करूँगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं समाज में जो घटित अपराध होते हैं उनसे जुड़े हैं। तो चलन की जहाँ तक बात है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ उसका सेवन होता है, फिर भी मैंने दो चार बिंदु अपने स्तर से तय किए हैं। हो सकता है कि मेरी बात आपको उसमें जो साँचे में बैठ जाए कि साहब लोग सही कह रहे हैं। एक किसान है जो अपनी खेती बाड़ी का काम कर राकेश मेरे सर अभी आपसे मुखातिब थे, आपको बता रहे थे। निश्चित रूप से आपने देखा होगा ऐसे न्यायाधीश जो आपके बीच में आप ही की भाषा बोल रहे थे, ताकि आपके बीच में जो ऐसा ना लगे कि न्यायाधीश से बात कर रहे थे। देखिए कितने सरल भाषा में बात कर रहे थे वो, और आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि शराब पीना अपराध नहीं है, लेकिन शराब पी करके और जिस तरीके से हम व्यवहार करते हैं, जैसा एक हवा में हाथ हिलाना अपराध नहीं है, लेकिन उस हाथ हिलाने के बीच में यदि किसी का गाल आ जाता है और थप्पड़ पड़ गया तो ये अपराध की श्रेणी में आ गया, आपने उसको थप्पड़ मार दिया। कितने सरल भाषा में, और उन्होंने हर पहलू को छुआ है कि शराब से हमारे समाज में बेइज्जती होती है, हमें दुर्घटना होती है, हमारा शरीर खराब होता है। तो हम जितने भी लोग हैं हम विश्वास दिलाए कि हम क्या यहाँ पर क्या जो भी लोग बैठे हैं वो अगर एक एक व्यक्ति भाजपा के 10-10 लोगों को भी समझाता है तो यहाँ आने का और इतना कीमती समय देने का जो इसका उद्देश्य है वो सफल होगा। और हम आपस में यदि इसको सरकारी योजना मानकर चलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर हम ये सोच के चले कि यदि मैं एक अपने दोस्त का दो दोस्तों को भी इस चीज़ से अवगत करा दूँ तो निश्चित रूप से साहब का जो उम्मीद कर रहे थे कि हम अपने इस उद्देश्य में सफल हो जाए, इतनी बड़ी जो दिल्ली से लेकर के प्रदेश से लेकर के तहसील तक हम आए हैं वो योजना चल रही है, तो उसको आगे बढ़ाने का काम आप लोगों का साथ में बताया कि कोई संगठन कोई एनजीओ नहीं काम कर सकता, लेकिन यदि हम लोग आपस में मिलकर अपने दोस्त अपने भाइयों को इस बारे में बताएंगे, ध्यान न्यायाधीश आए थे उन्होंने भी इस बारे में विस्तार से बताया है, तो आप विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ के नागरिक जो है आपकी बात से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। और एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।